होटल रेस्टोरेंट में महंगे दाम में मिलने वाली ये सुपर टेस्टी डिश क्यों ना आज हम घर पे ही तैयार कर लेते हैं। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको मेरी यूट्यूब चैनल दिव्याज किचन में। आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर, तो चलिए तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट तैयार करना है हमें। यहाँ कुछ खड़े मसाले लिए हैं, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी, छोटी इलायची 2, बड़ी इलायची 1, 1 चम्मच धनिया, 2 कश्मीरी लाल मिर्च, 6 से 7 लहसुन, 1 टुकड़ा अदरक, 300 ग्राम पनीर लिया है मैंने यहाँ, 2 शिमला मिर्च, 3 प्याज और 2 टमाटर लिए हैं। ये खड़े मसाले को साइड में रख देंगे, बाद में इसे भून लेंगे। बाकी बचे हुए सारे सब्जियों को काट लेंगे। पनीर, शिमला मिर्च, प्याज को हम बड़े साइज में काटेंगे। थोड़े प्याज और टमाटर को हम बारीक काट लेंगे। लहसुन और अदरक को ना हम कूट लेंगे। पनीर और सारे सब्जियों को मैंने यहाँ पे काट लिया है। अदरक और लहसुन को भी मैंने कूट लिया है। अब हम ये खड़े मसाले को थोड़ा भून लेते हैं। इस कढ़ाई में हम सारे खड़े मसाले को अच्छे से भून लेंगे। सारे खड़े मसाले को लो फ्लेम पे धीरे धीरे भूनना है ताकि ये जले ना। ये मसाले अच्छे से भून गए हैं, अब इसे निकाल लेते हैं और इसे पीस लेंगे अच्छे से। एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है, यहाँ पे डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल गरम हो चुका है, यहीं पे मैं डाल रही हूँ ये बारीक कटा हुआ प्याज। इसको अच्छे से भून लेते हैं। प्याज अच्छे से भून के सुनहरे कलर के हो चुके हैं। यहीं पे मैं डाल रही हूँ ये कूटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। लहसुन अदरक भी अच्छे से भून चुका है। यहीं पे मैं डाल रही हूँ अच्छे कलर के लिए 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और चला लेती हूँ इसको भी अच्छे से। यहीं पे मैं डाल रही हूँ ये बारीक कटा हुआ टमाटर, इसको भी भून लूंगी अच्छे से। इसको गलने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है। इसको और थोड़ा सा भून लूंगी मैं। ये लगभग टमाटर गल चुका है। हम लोग दोस्तों जब होटल में जाते हैं तो कढ़ाई पनीर ऑर्डर करते हैं, हमें सिर्फ 4-5 टुकड़े पनीर के मिलते हैं। इतना टेस्टी होता है लेकिन हम कभी घर में आके ट्राई नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ट्राई कर ले, इसीलिए मैंने बनाया है आज ये कढ़ाई पनीर। ये प्याज और टमाटर अच्छे से भून चुका है।
इसको मैं साइड में निकाल के रख दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको पीस लूंगी। इसको गरम गरम नहीं पीसना है दोस्तों, थोड़ा ठंडा करके ही पीसना है। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने ना एक लोहे का कड़ाही लिया है, क्योंकि मैंने होटलों में देखा था कि वो लोग चाइनीज जो लोहे के कड़ाही होते हैं उसमें पकाते हैं। मेरे पास नहीं है तो मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। कड़ाही गर्म हो चुका है तो यहीं पे मैंने डाल दिया है एक बड़ा चम्मच तेल। गैस के फ्लेम को हमें हाई रखना है। इसी हाई फ्लेम पे मैं प्याज और शिमला मिर्च को डाल रही हूँ यहाँ पे, और अच्छे से चला लूंगी। 2 से 3 मिनट हमें हाई फ्लेम पे पकाना है इसको। हमें बिल्कुल हल्के हाथों से पनीर और शिमला मिर्च प्याज को अच्छे से भूनना है। अगर हमने यहाँ पे जोर से चलाया तो पनीर का टूट जाने का डर रहता है, इसीलिए हमें जितना हो सके हल्के हाथों से ही चलाना है। लगभग 3 से 4 मिनट इसको हाई फ्लेम पे चलाते ही जाना है। 3 से 4 मिनट भून चुके हैं हम इसको। अब हम इसमें जो भून के रखा था हमने खड़े मसाले, उसके पाउडर यहाँ पे डाल रही हूँ। ये मसाला ना इस सब्जी में बिल्कुल मैजिक का काम करेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा ये मसाले डालने के बाद सब्जी। और भून लेते हैं इसको थोड़ी देर। भून लिया है दोस्तों इसको अच्छे से। अब इसमें डाल देते हैं प्याज और टमाटर की ये ग्रेवी। इसको अच्छे से डालकर चलाना है। ग्रेवी आपको कितना गाढ़ा या पतला रखना है यहीं पे चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको गाढ़ा चाहिए तो ऐसे में ठीक है, अगर आपको पतला रखना है तो थोड़ा सा पानी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो और मैं 1 से 2 मिनट पका लूंगी ताकि सारे फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अगर आप भी इस तरह से घर पे बना के खाएंगे तो आप होटलों में जाना भूल जाएंगे। अगर आपको गरम मसाला डालना है तो इसे स्टेज पे आप गरम मसाला डाल सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ दोस्तों। मैंने सब्जी में नमक कम डाला था तो यहीं पे मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, और चला लेती हूँ इसको अच्छे से। कढ़ाई पनीर के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चुटकी शक्कर यानी कि चीनी। इससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। ये तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया अच्छे फ्लेवर के लिए। धनिए से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और इसको मैं दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ और इसको सर्व कर लेंगे। तैयार हो चुका है हमारा लाजवाब स्वादिष्ट और टेस्टी टेस्टी कढ़ाई पनीर। आप भी घर पे बना के जरूर खाइएगा। और दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये कढ़ाई पनीर का रेसिपी? अगर आपको मेरी ये कढ़ाई पनीर की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सब्जी कैसी बनी है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय गोवा, जय आयो होम।